बंद का आह्वान किया है मराठा रिजर्वेशन के, क्या है पूरा मामला और किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन में? क्या है, मराठा समाज ने बहुत दिनों से ये आरक्षण मिलना चाहिए मराठा बांधवों के लिए, उनके लिए ये आंदोलन छेड़ा था। और मनोज झरांगे पाटिल जो पिछले 8 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे, तो उसकी वजह से उनको पाठिंबा सपोर्ट के लिए हम सब और सब ने एक मीटिंग कॉल की 29 तारीख को। उसके बाद ये पूरा मार्केट बंद 1 तारीख को रखने का फैसला लिया। उसी के तहत आज सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक अनशन होने वाला है, तो उसके लिए ये पूरा मार्केट बंद रखा है। कितने व्यापारी हैं इस मार्केट यार्ड में और कितने मतलब क्या कौन से घटक हैं यहाँ पे? रोज दिन में 20 से लेके 25 हजार लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें खरीदार रहते हैं, विक्रेता रहते हैं और बहुत सारे यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, तो हमाल लोग रहते हैं। साधारण 20 से लेके 25 हजार लोग यहाँ पे आते हैं और साधारण यहाँ पे लगभग रोज 1400 से 1500 गाड़ी का माल यहाँ पे आता है और उसको खरीदार करने के लिए कम से कम 4 से 5 हजार टेम्पो आते हैं छोटे छोटे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे शहर भर और बाकी के जिलों में भी जाता है माल। तो अगर बंद रहता है तो मार्केट यार्ड तो कितना नुकसान होगा? रोज का यहाँ पे ये सब्जी मंडी में एक 15 से 20 करोड़ रुपए का उलाढ़ाल होता है, तो मतलब टोटल ये बिजनेस होता है 15 से 20 कोटी रुपए इसका CR का। और फुल मार्केट जो है वहाँ पे 30 से 35 लाख रुपए का बिजनेस।